अस्सलाम वालेकुम। आज आपको क्रिस्पी चिकन विंग्स बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए आधा किलो चिकन विंग्स लिए हैं। आप स्किन के साथ या बगैर स्किन के कोई भी ले सकते हैं। 2 कप बटर मिल्क। बटर मिल्क बनाने के लिए हमने 2 कप दूध लिया था, उसमें 2 खाने के चम्मच लेमन जूस या सिरका डालकर मिक्स कर लें। आपका बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। और 1 चाय का चम्मच नमक। सबसे पहले चिकन विंग्स में नमक और बटर मिल्क डालकर मिक्स कर लेंगे। चिकन विंग्स में नमक और बटर मिल्क को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसको कवर करके 1 घंटे तक रख देंगे। 1 घंटे के बाद चिकन विंग्स को बटर मिल्क से निकाल लेंगे। चिकन विंग्स को बटर मिल्क से निकाल लिया है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें नमक है 1/2 चाय का चम्मच, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 चाय का चम्मच, लहसुन का पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/2 चाय का चम्मच और अदरक का पाउडर 1 चाय का चम्मच। चिकन में सब चीज़ें डाल देंगे, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्च का पाउडर, अदरक का पाउडर और लहसुन का पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। विंग्स में सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसको दोबारा कवर करेंगे और 1 घंटे तक मैरिनेट करके रख देंगे। चिकन विंग्स को 1 घंटे तक मैरिनेट कर लिया है। विंग्स को कोट करने के लिए 2 से 3 कप मैदा ले लिया है और ठंडा पानी। सबसे पहले विंग्स का एक पीस लेंगे, इसको मैदे में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अब इसको पानी में डिप कर देंगे। इसको निकाल के दोबारा मैदे में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। उंगलियों की मदद से विंग्स को मैदे में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे, ताकि इसके अच्छे से क्रम्ब्स बन जाएं। ये देखें, ये परफेक्टली क्रम्स बन गए हैं। अब इनको ऑयल में फ्राई करते जाएंगे और सारे विंग्स इसी तरह बना लेंगे। क्रिस्पी विंग्स को फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इसमें ये विंग्स डालते जाएंगे। चिकन विंग्स को 2 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाएंगे, उसके बाद फ्लेम को लो पे कर देंगे और 10 मिनट तक इनको मज़ीद पका लेंगे। चिकन विंग्स फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लेंगे।
क्रिस्पी चिकन विंग्स तैयार हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपके क्रिस्पी चिकन विंग्स कैसे बने। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।